हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं करेले ग्रेवी वाले। ये देखिए, ये करेले हमने कट कर लिए हैं और इसमें नमक और हल्दी लगाकर रख दिया है। ये आप देखिए दोस्तों, मैंने बीज सभी निकाल दिए हैं ताकि इसमें कड़वापन ना रहे। इसे हमने नमक और हल्दी लगाकर आधा घंटा के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें अच्छे से इसे वॉश करेंगे और इसे अच्छे से निचोड़ेंगे टाइट। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से हमने निचोड़ लिया है इसे वॉश करके। अब इसे तलते हैं। ये हमने दोस्तों एक कढ़ाई ली है जिसमें हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है। अब इसमें इन करेलों को डालकर हम थोड़ी देर तलेंगे। पलट पलट कर तलेंगे करेलों को। दोस्तों, ना तो हमें ज़्यादा इन्हें क्रंची करना है और ना ही ज़्यादा पकाना है, बस हल्का सा ये ब्राउन होने लगे हैं। 2 मिनट और रखकर अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में हींग डालेंगे। और ये जीरा और ये बारीक कटा हुआ प्याज है जिसे हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये हमने एक टमाटर की प्यूरी भी इसमें ऐड कर दी है। अब इसे अच्छे से भूनेंगे, साथ में मसाले भी ऐड करते हैं। ये हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ये हम अमचूर डाल रहे हैं, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स देंगे और जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल दिखने लगा है, अलग हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। इसे 2 मिनट और पकाएंगे। इसमें एक बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें अपने करेले भी ऐड कर देते हैं। मिक्स देकर स्लो आंच पर 2 मिनट और पकाना है। 2 मिनट पकाने के बाद ये काफ़ी इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे करेले की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही चटपटी टेस्टी होती है। कुछ लोग करेले नहीं खाते हैं, करेले ज़रूर खाने चाहिए दोस्तों। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरी रेसिपी कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।